हे गाइस, अगर आप देखोगे तो इंडिया में दो तीन तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एक वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, इन ये लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खरीदते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग इतनी छोटी कंपनी खरीदते हैं, इतनी छोटी कंपनी खरीदते हैं कि ये चाहेंगे तो पूरी कंपनी को भी खरीद सकते हैं, कंपनी का मालिक बन सकते हैं अगर ये चाहें तो। लेकिन पता है, केवल ये लोग उस कंपनी में छोटा सा स्टेक खरीदते हैं। और ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है ना, मान लेते हैं इनको 5,000 साल भी दे दिया जाए ना, तो ये बड़ी कंपनी को नहीं खरीद पाएंगे, पूरी कंपनी को, समझ रहे हो ना। ये लोग रिलायंस में पैसा लगाते हैं। अब एक छोटा इंसान क्या पूरे रिलायंस कंपनी को खरीद सकता है? क्या नहीं खरीद सकता है कि नहीं है? एलन मस्क भी नहीं खरीद सकते भाई, जो दुनिया दुनिया का पृथ्वी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो भी नहीं खरीद सकता करके, तो सोच लो। लेकिन ये जो छोटे छोटे इंसान है ना, ये लोग कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं कुछ ही खरीदूँ, लेकिन उनके खरीदूँ, वही कंपनी का शेयर खरीदूँ। ये लोग पूरी तरीके से ना, कभी भी देखोगे तो गलत रास्ते पर ही चलते हैं, इस वजह से ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता ही नहीं है कभी। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपये हैं, वो ऐसे ये चाहेंगे तो पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं, लेकिन उसी कंपनी में, बहुत छोटी कंपनी में स्टेक खरीदते हैं। और जब पैसा बनाते हैं तो बहुत मोटा पैसा बनाते हैं। उनका नाम है मुकुल अग्रवाल। मुकुल अग्रवाल अगर आप देखोगे तो ये 2,760 करोड़ के मालिक हैं। इनका पोर्टफोलियो है 56 स्टॉक आपको देखने को मिला। लेकिन लेकिन बहुत, मतलब मैं बोलूँगा ये लोग अनपढ़ लोग होते हैं, इनको ABCD भी नहीं आता। पूछो क्यों? क्योंकि ये लोग देखो, यहाँ पर देख सकते हो, मल्टी बैगर स्टॉक खरीदते हैं। और हम जैसे लोग देखो, जिनके पास 2-4 रुपये होते हैं पैकेट में, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनी खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी खरीदते हैं। ये लोग भी चाहेंगे तो, ये देखो भाई, 3,000, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के मालिक हैं ये लोग। ये लोग भी चाहेंगे तो लार्ज कैप में पैसा डाल सकते ना, क्यों नहीं डालते हैं? ये लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स में ही क्यों पैसा डालते हैं? ये चाहेंगे ना तो ये 3,000 करोड़ के साथ ये लोग कई कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। मतलब मालिक बनने का मतलब पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं, इंटायर स्टेक खरीद सकते हैं कंपनी में। अभी जो कंपनी इन्होंने खरीदा है ना, अभी जिस कंपनी में इन्होंने पैसा डाला है ना, इतने पैसे में ना वैसे 3 से 4 कंपनी खरीद लेंगे, 3, 3, 6, 7 कंपनी खरीद लेंगे, 7 कंपनी खरीद लेंगे, जिस तरीके से कंपनी में इन्होंने अभी पैसा डाला। लेकिन ये लोग हर बार, केवल मुकुल अग्रवाल ही नहीं, इंडिया का हर वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, केवल फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को छोड़ के, क्यों? क्योंकि भाई वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बनाते हैं 2 साल 3 साल में खरीद के। इस वजह से उनको, वो लोग ज़्यादातर बड़े स्टॉक्स में और बड़ा मोटा पैसा डालते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शन में पैसा डालते हैं 2-3 सालों के लिए। और ये लोग मल्टी बैगर स्टॉक को खरीदते हैं। देख लीजिए, मल्टीपल स्मॉल कैप स्टॉक बताया जा रहा है, जो कि 12% तो आज ही रिटर्न निकाल के दे दिया है। और इतना रिटर्न तो आप मान लीजिए कि बड़े वाले स्टॉक्स में 1 साल में देखने को मिलेगा आपको। और कंपनी का नाम भी बताया गया है यहाँ पे, दे नोरा इंडिया, ये देख सकते हो, दे नोरा इंडिया, यहाँ पर इन्होंने शेयर ख़रीदा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, इन्होंने इस कंपनी में 1.37% स्टेक ख़रीदा है। तो ये वो कंपनी है, कंपनी का नाम देख लीजिए, कितना ख़रीदा गया है वो भी आपको बताया गया है। यहाँ देख सकते हो शेयर्स, आप काउंट भी कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो केवल 500 करोड़ की कंपनी है, 560 करोड़, 2700 करोड़ वहाँ पर, तो 2700 करोड़ के मालिक थे वो। तो अगर आप चाहते तो ये पूरी कंपनी को भी खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी कंपनी में एक छोटा सा स्टेक खरीदा। लोग देखेंगे भाई ये 1067 रुपीज़ का शेयर है, यही प्रॉब्लम है, ये देखना ही नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ होती है, इसको कभी नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है, कंपनी का साइज़ देखना चाहिए आपको, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप देखोगे तो MRF का शेयर का प्राइस 80,000 है, ठीक है, रिलायंस का शेयर का प्राइस 2,000 है, तो क्या रिलायंस बहुत छोटी कंपनी है MRF के सामने? नहीं। तो ये प्राइस कभी भी नहीं देखना चाहिए हमें, कभी नहीं देखना चाहिए हमें। हमें अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, रियल मार्केट में अगर आप जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, तो पहले आपको ये देखना चाहिए क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि नहीं भाई ये बहुत महंगा है, इस वजह से मैं खरीद रहा हूँ, तो ये गलत रीज़न है। कैपिटल गुड्स के लिए कंपनी काम करती है, ऊपर से डेट फ्री भी है। ये इलेक्ट्रिसिटी पास करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। और इन्होंने तब ये स्टॉक को खरीदा है जब ये अंडर वैल्यूड से धीरे धीरे स्टॉक अब ऊपर जाना स्टार्ट किया है तब, और इन्होंने इधर ही खरीदा हुआ। ये अपडेट आपको बाद में देखने को मिलता है। ये सारे जो खरीदते हैं, ये लोग बेचते हैं, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद ये पब्लिक में आता है, याद रखिएगा। तो अब अगर आप देखो तो उन्होंने जब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक था तभी खरीद लिया, अब धीरे धीरे ये चीज़ें ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अलग लेवल का ये प्रोडक्ट बनाता है, इसके लिए मुझे लगता है कि एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा कि कंपनी करता क्या है और इनके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट कुछ अलग ही लेवल के हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने देखा एक बार में, देखने के बाद मुझे खुद नहीं समझ में आया, इस वजह से मैं बाद में डिटेल में आपको देखने के बाद आपको बताऊँगा। तो ये सभी लोग छोटे छोटे स्टॉक खरीदते हैं,
जो बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला होता है। हम बड़े स्टॉक खरीद लेते हैं जो कभी बड़ा क्या कुछ रिटर्न ही नहीं देने वाला होता है। वो केवल इन्फ्लेशन को बीट करता है। इन्फ्लेशन अगर 6% का है तो वो आपको 8% तक का या समथिंग कुछ ऐसे ही रिटर्न निकाल के देगा। तो इससे क्या होता है, कुछ खास बेनिफिट नहीं देखने को मिलता बड़े स्टॉक्स में। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में रहेगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री रहेगा, केवल 20 रुपीज़ देखने को मिलेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।